अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। ट्विटर पर, सोशल मीडिया के ऊपर आजकल पिछले दो दिन से एक ट्रेंड चल रहा है हामिद मीर साहब के हवाले से। हामिद मीर साहब का प्रोग्राम कैपिटल टॉक, जिसे हामिद मीर साहब को अलग कर दिया गया है, और जब से हमने होश संभाला है, जब से सहाफत के तिफले मकतब ही हैं, आज तक सीख रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जब से सीखना शुरू किया है, जब से इस फील्ड के अंदर आए हैं, काम करना शुरू किया है, तो रोल मॉडल के तौर पर या जिनको देखा या जिनसे सीखा, जिन्होंने नए नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए, नए नए ट्रेंड्स कायम किए, हामिद मीर साहब की पर्सनैलिटी है। सबसे सीनियर जर्नलिस्ट कहा जाए, बड़े जर्नलिस्ट कहा जाए पाकिस्तान के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हामिद मीर साहब है। लेकिन पिछले दो तीन दिन से जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, वो आप तमाम लोगों के सामने भी है, और मैं एक छोटा सा इसका एक बार फिर बैकग्राउंडर आपको बताना चाहती हूँ। हमारे कॉलीग हुआ करते थे असद तूर साहब के ऊपर अटैक हुआ, जिसके बारे में असद तूर ने कहा कि उनके ऊपर रियासती इदारों की जानिब से अटैक किया गया है। उसके बाद उनके हक में एक प्रोटेस्ट का आगाज हुआ, जहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन मौजूद थे, जिसमें हामिद मीर साहब थे, आसमा शिराजी साहिबा थी, दीगर मजीद लोग थे। वहां पर कुछ बातें ऐसी की गई कि जिसके बाद ये डिसाइड किया गया, नेक्स्ट डे जियो की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हामिद मीर साहब को उनके प्रोग्राम से अलग कर दिया जाए। हामिद मीर साहब ने जो बातें वहां पर की, या दीगर लोगों ने जो बातें की, या असद तूर साहब ने इस सारे वाकये के बाद जिस तरह से इल्जाम लगाए, जो बातें उनकी जानिब से की गई, उनसे इख्तलाफ करने का हक ऑब्वियसली मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हम तमाम लोगों के पास वो हक मौजूद है। लेकिन उसके बाद हामिद मीर साहब के साथ जो किया गया, तो वो भी गलत। यानी कि जो कुछ हामिद मीर साहब ने किया उस प्लेटफॉर्म पर, जिस तरह से उन्होंने नारे लगाए, जो उन्होंने बातें की, किसी को पर्सनली उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ बंद ना किया जाए तो फिर उसके बाद मैं ये बता दूंगा, मैं वो बता दूंगा, किसने किसको गोली मारी, किसने कैसे गोली मारी, ये तमाम बातें हामिद मीर साहब की जानिब से की गई, उन्होंने भी गलत किया। और उसके बाद जो कुछ उनके साथ उनके इदारे ने किया, उनको प्रोग्राम से अलग करके किया, वो भी गलत किया। अगर उनको इश्यूज थे, उनको मसाइल थे, तो कोर्ट मौजूद था, कोर्ट जा सकते थे, उनकी बात के ऊपर पटिशन हो सकती थी, उनके खिलाफ कंप्लेन हो सकती थी। लेकिन ये मुझे नहीं लगता, बहैसियत स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि ये एक दुरुस्त अमल है कि किसी को भी उनकी किसी बात की वजह से, एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट को उनकी किसी बात की वजह से उनके प्रोग्राम से अलहदा कर दिया जाए। फिर उसके बाद एक प्रोपेगेंडा, मेरी नज़र में, मैं उसे प्रोपेगेंडा ही कहूँगी, एक प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया जा रहा है, पाकिस्तान के रियासती इदारों का नाम लिया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और ये एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो चैनल्स के ऊपर दबाव डालते हैं, या वो एंकर्स के ऊपर दबाव डालते हैं, और उसके बाद इस तरह के काम हो जाते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये भी मेरी नज़र में बिल्कुल भी दुरुस्त अमल नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब हामिद मीर साहब पर अटैक हुआ था, उसके बाद जब हामिद मीर साहब को अल्लाह ताला ने रूबा सेहत किया, तो उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया, उसमें उन्होंने ये बयान दिया था कि मुझ पर जो अटैक किया है वो ISI ने किया है। एंड देन जब कमीशन बना, कमीशन के सामने हामिद मीर साहब जब पेश हुए, तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही कि मैंने वो गलत कह दिया था, मैंने वो बात गलती से कह दी थी। और उसके बाद आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई है, और ना ही हामिद मीर साहब जिस इदारे से ताल्लुक रखते थे कल तक की तारीख तक, ना उस इदारे ने आज तक ये क्लेम किया कि वो रिपोर्ट मंजरे आम पर लाई जाए, पब्लिक की जाए। एक मिसाल जिस इदारे से मैं मुंसलिक हूँ, मैं उसकी मिसाल एक देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पर DSNG पर अटैक हुआ था, हमारा एक नौजवान साथी तैमूर उसमें जाबाक हो गया था, शहीद हो गया था। आज तारीख तक हर साल समा TV इस बात को खबर चलाता है, इस बात पर बात करता है, और मुतालबा करता है कि वो जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर लाया जाए, कि समा TV की DSNG पर किसने अटैक किया था, कातिल कौन थे, हमलावर कौन थे, ये सारी चीज़ें सामने लेकर आई जाएं। लेकिन आज तक जियो ने इस चीज़ के ऊपर, इस बात के ऊपर कभी भी ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। अगर मैं गलत कह रही हूँ कहीं पर भी, और हो सकता है मैं गलत हूँ, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लेकर आएँ, जहाँ पर हामिद मीर साहब ने ये बात ना कही हो कि जो उन्होंने बात कही थी, जो उन्होंने ISI पर इल्जाम लगाया था वो गलत लगाया था। एक ऐसी एजेंसी ISI, एक ऐसी एजेंसी जिसके बारे में दुनिया जहान के लोग जिसे बेहतरीन एजेंसीज कहते हैं, रशिया जिन्हें बेहतरीन एजेंसी कहता है, जिनका बेहतरीन काम है, उनके बारे में इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, इस तरह की बात करना कि रियासती इदारों के लोग आकर वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं, वो सहाफ़ियों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, सहाफ़ियों को
मार रहे हैं, सहाफियों पर तशद्दुद कर रहे हैं, तो तशद्दुद ये किसी भी मसले का हल नहीं है। ये कहीं से भी हो रहा हो, ये किसी भी मसले का हल नहीं है और ना ये होना चाहिए। सहाफती बरादरी के साथ अगर ये सब कुछ किया जाता है तो मैं इस पर भी मजम्मत करती हूँ। अगर इस आड़ में पाकिस्तानी इदारों को मलाइन करने की कोशिश की जाती है, मैं इसकी भी मजम्मत करती हूँ। जहां से भी ये सब कुछ हो रहा है, जो लोग भी ये सब कुछ कर रहे हैं और जो इन बातों को बुनियाद बनाकर, यहां पर ये बात याद रखिएगा प्लीज कि मैं कहीं पर भी ये बात नहीं कर रही कि जो कुछ हुआ है असद्दूर साहब के साथ, जो कुछ हुआ है वो ड्रामा है या वो फेक है। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर रही। अफसार आलम साहब के साथ जो भी कुछ हुआ, यकीनन उनके ऊपर अटैक किया गया, असद्दूर के ऊपर अटैक किया गया, इससे पहले भी मुख्तलिफ वाकयात होते रहे हैं, सहाफियों के साथ गलत होता रहा है, सहाफियों की जबान बंदी की कोशिश की जाती रही है, सहाफियों को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन उसके साथ साथ इस बात को बेस बनाकर पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करने की कोशिश, ये भी गलत है, इसकी भी मैं मजम्मत करती हूँ। या तो फिर जो लोग ये बात करें उनके पास इसके प्रूफ्स मौजूद हों, इसके सबूत मौजूद हों, वो इस चीज़ को भी फिर मंजर आम पर लेकर आए कि जो लोग उनके साथ ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इस तरह से आके ये धमकियां लगाना कि हम ऐसा कर देंगे, अगर ये नहीं रोका गया तो हम वैसा कर देंगे, क्यों मजीद लोगों की जिंदगियों को फिर क्यों खतरे में डाला जा रहा है? अगर आपके पास वो सबूत मौजूद हैं, अगर आप लोगों को पता है कि जी यहाँ यहाँ से ये इदारे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर वो सबूत, ये धमकियाँ और गिदड़ भुपकियाँ क्यों? वो जो चीज़ें हैं वो सामने लेकर आएँ, वो बताया जाए, ताकि जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हो चुका, जो सहाफ़ी हजरात बेचारे ये सारा जुल्म बर्दाश्त कर चुके, मजीद मेल फीमेल जर्नलिस्ट हैं उनको इन सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ गिदड़ भुपकियाँ हैं, तो मेरी अपनी तमाम बरादरी से, अपनी तमाम सहाफ़ी बरादरी से ये गुजारिश होगी कि प्लीज़ पाकिस्तान, हम मैं किसी की भी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं कर रही हूँ, अगेन मैं ये बात करूँगी कि मैं किसी की भी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तान के इदारों को इस तरह से मलाइन ना करें। क्योंकि जब मैं देखती हूँ सरहद पार वहाँ पर के जिनके पास वो पावर्स नहीं है, जिनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास वो ताकत नहीं है, जिनके पास वो इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं जो उनके इस तरह के इदारों को चला सकें, जब उनके पास इस तरह की बातें आती हैं तो वो फौरी तौर पर खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत सारे भारतीय सहाफ़ियों को देख रही हूँ कि इससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सहाफ़ियों के साथ, कहीं भी मुझे कहीं से भी आवाज़ नहीं आती कि इंडिया में इस तरह का कोई शोर वोल हो रहा हो, कोई ऐसी बात हो रही हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो जाती हैं, बहुत सारे लोग जाती रंजिशों की वजह से मार दिए जाते हैं, बहुत सारे वाकयात हो जाते हैं, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि इंडिया के लोग वहाँ पर खड़े हों और ये हमारे हक में, हमारे लोगों के हक में, जुल्म के हक में वो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हों। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नाम आया जी ISI का, पाकिस्तान के इदारों का, खुलकर कह देती हूँ फौज का जैसे ही नाम आया, फौरी तौर पर इंडिया से लोग खड़े हो गए, वहां पर ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा असद्दूर, जिनको वो जानते भी नहीं होंगे, इंडियंस को पता भी नहीं होगा कि असद्दूर कौन है, कहाँ पर सहाफ़ी थे, क्या काम करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं, करते क्या है नहीं पता होगा, लेकिन सब के सब खड़े हो गए क्योंकि वहां पर नाम आ गया कि जनाबे वाला ISI ने उनके ऊपर अटैक किया है या फौज ने उनके ऊपर अटैक किया है। बहरहाल मेरी तमाम अपनी सहाफ़ती बरादरी से ये गुजारिश है कि पाकिस्तान के इदारों को मलाइन ना करें। अगर आपके पास कोई सबूत मौजूद है, अगर आपके पास कोई वाज़ेह बात मौजूद है, अगर आप जानते हैं किसी को, ऑब्वियसली फिर वो जो काम होगा वो इनफरादी हैसियत में किसी ना किसी का होगा, आप उनको सामने लेकर आएं, एक्सपोज करें। और अगर आप सिर्फ बात बराए बात और प्रेशर डालने के लिए या फिर प्रेशर बिल्ड करने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना बंद कर दें। जो कुछ हामिद मीर साहब के साथ हुआ वो भी गलत है, जो कुछ हामिद मीर साहब ने किया मेरी नज़र में वो भी गलत है, जो कुछ उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये चीज़ जो कुछ हुआ है आज सारा दिन में, ऑब्वियसली तमाम सहाफ़ी बरादरी इससे परेशान है, तमाम एंकर्स, तमाम प्रोग्राम एंकर्स इस बात पर परेशान हैं कि आज हामिद मीर साहब के साथ हुआ है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है, कल ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो हामिद मीर साहब के साथ उनके इदारे ने जो किया मेरी नज़र में वो भी काबिल मज़म्मत है, और जो कुछ हामिद मीर साहब आपने जज्बात में कह दिया या आप हल्की बात कर गए या जैसे भी आपने ये बात कर दी, आपने भी पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करने की कोशिश की है, जिसका फ़ायदा पड़ोसी मुल्क, जिसका फ़ायदा जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे होने तो हमारे दोस्त चाहिए, हमारे नेबर्स हैं,
लेकिन जो हमारे रिवायती तौर पर एक चला आ रहा है उनके साथ हेट एंड लव का रिश्ता, वो इस वक्त इस चीज़ के ऊपर बड़े खुश हैं और बड़ी खुशी के साथ हमें ये शो करा रहे हैं कि जी वो हमारे सहाफ़ी असद तूर के साथ हैं। गुजारिश भी है मेरी तमाम सहाफ़ियों से कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में, और न सिर्फ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बल्कि वो तमाम लोग जो सहाफ़ियों के साथ ये सब कुछ करने में मुलव्वस हैं, मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा भी करती हूँ और उनसे इल्तजा भी करती हूँ कि सहाफ़ी जो काम कर रहे हैं अपनी जानों को जोखम में डालकर, अगर ये काम कर रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं, हक और सच की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि सहाफ़ियों को आप प्रोटेक्शन ज़रूर फराहम करें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपकी नज़र में हामिद मीर साहब के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। मेरी नज़र में हामिद मीर साहब के साथ जो हुआ वो गलत हुआ।